समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। छिंदवाड़ा, मछली पकड़ने के लिए लगाया गया था करंट, जिससे हुई थी युवक की मौत। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल SP शशांक गर्ग, CSP अशोक तिवारी द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान दी गई जानकारी। मृतक के दोस्तों से पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मृतक किशोर यादव अपने अन्य 4 साथियों के साथ बाईपास नाले पर मछली मारने गया था। इनके द्वारा विद्युत करंट लगाकर पानी में करंट छोड़ा गया तथा मछली मारते समय विद्युत तार खुला छोड़ दिया, जिससे मृतक किशोर को करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। घटना के पश्चात उसके सभी साथियों ने मृतक किशोर को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए थे। प्रकरण के अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में मछली मारने के लिए उपयोग किया गया विद्युत तार, एक बांस एल्यूमिनियम वायर जब्त किया गया है। एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान किशोर पिता सियाराम यादव, उम्र 45 वर्ष, सुरभी के रूप में हुई। जब मौके पर देखा गया, दर्ज किया गया, उसके बाद कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, 302 IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद हमारे CSP साहब, TI कोतवाली, TI कुंडीपुरा, उनकी टीम ने मिलकर इसमें सुचतापूर्वक विवेचना की और इसमें ज्ञात हुआ कि जो बिशन लाल यादव शेवराम उड़ीके, अंतराम झंगट्टा और संतराम मुग्धा, ये मृतक के साथ मछली मारने गए हुए थे और वहाँ पर जो बाईपास नाले में इन्होंने मिलकर वहाँ पर बिजली के तार से करंट लगाकर मछली मारने का प्लान किया हुआ था। इसी दौरान जब इनके द्वारा पानी में करंट छोड़ा गया, जो किशोर था मृतक, उसके द्वारा जब जो नंगा तार था, जहाँ पर तार था उस पर उसका हाथ लगा, उसे करंट लगा और वहीं पर उसके स्पॉट पर मृत्यु हो गई। ये लोग उसको मृत जानकर बाईपास नाले के पास उसकी लाश को छोड़कर भाग आए थे। इन चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का बड़े व्यावसायिक दक्षता से खुलासा करने के लिए TI कुंडीपुरा, TI कोतवाली और CSP साहब की पूरी टीम ने बहुत परिश्रम से, लगन से और व्यावसायिक दक्षता से कार्य किया है। उन सभी को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। ये बात अभी पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें कुछ जो बड़ा चैलेंजेस थी पुलिस के लिए, बड़ी चैलेंज थी और इस पूरी टीम ने बड़े अच्छी सफलता प्राप्त की है। बड़े कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा किया। मैं इन्हें शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। खबर समय जगत के लिए छिंदवाड़ा से ब्यूरो चीफ अजीत कुमार पांडे की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।